Hello everyone, how are you? My name is Yashodhara Singh Jambal and welcome to my lecture series. This lecture series is dedicated for JKAS 2022 and of course UPSC. And those who are new to the channel, do like, share and subscribe. And those who don't know that which lecture series are going on, तो उनके उनको मैं बता दूँ कि ये जो lecture series है ये आपके current affairs की lecture series है और अभी जो lecture चल रहे हैं that is for environment, right? हम जो पिछले एक साल के जो current affairs हैं उनको cover कर रहे हैं. So in the last lecture हम लोगों ने ये आपका I guess fourth lecture है. So last lecture में हम लोगों ने जो बाकी के जो इम्पॉर्टेंट यू नो डिक्लेरेशंस थे और जो भी आपके यू नो डाइवर्सिटी को रिलेटेड हमने बात की थी, आपके कॉप 15 के बारे में बात की थी, दैट इज़ CBD की जो कॉप 15 हुई थी हमने उसके बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में. आज हम जो है वो आगे से स्टार्ट करेंगे और आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021. नाउ इसको ओके सो वो बच्चे जो PDF चाहते हैं डोंट वरी, आपको जो PDF है वो आपको मिल जाएगा. आपको टेलीग्राम में आप जाइए, आपको उसका PDF मिल जाएगा, ठीक है. ओके सो अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2021 की बारे में बात करें, सो बेसिकली ये एक्ट है क्या, ये बेसिकली रिसेंटली अमेंडमेंट मतलब कि जो पहला 2002 का था, हाँ ये रहा 2002 का था, अब उसको अमेंड करके जो है 2021 में कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो प्रपोज किया गया है. नाउ इट वॉज बीन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑफकोर्स एंड देन इट वॉज रेफर टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी. नाउ बेसिकली होता क्या है ना, जब कभी भी कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसके बाद वो एक सिलेक्ट कमेटी के पास जाती है. किसके पास जाती है, एक सिलेक्ट कमेटी के पास जाती है. बेसिकली होता क्या है, देखो एक होती है आपकी रूलिंग पार्टी और एक होती है आपकी ऑपोजिशन पार्टी. रूलिंग पार्टी कोई भी चीज़ें लेके आती है तो उसमें ऑपोजिशन पार्टी जो है वो अपने कंसर्न्स दिखाती है. कंसर्न्स दिखाने का मतलब ये है कि इस चीज़ से क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है उसको भी अपने ड्रॉबैक्स के बारे में पता चलता रहता है और बेसिकली ये जो ऑपोजिशन है ना, इट एक्चुअली वर्क्स एज अ वॉच डॉग, ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो कोई भी आर्बिट्ररी जो है काम नहीं करते, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है. सो नाउ दिस सिलेक्ट कमेटी बेसिकली होता क्या है, सिलेक्ट कमेटी इज़ बेसिकली इट इज़ अ कमेटी विच इज़ बीन फॉर्म्ड फॉर एग्जामिनिंग अ पर्टिकुलर बिल. एक बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसको एग्जामिन करने के लिए एक जॉइंट कमेटी, एक मतलब आपका सिलेक्ट कमेटी जो है वो बिठाया जाता है और उस सिलेक्ट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं दे आर बेसिकली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वही सिलेक्ट कमेटी के मेंबर्स होते हैं और इनका जो चेयरमैन होता है या जो चेयर करता है दैट इज़ बेसिकली वन ऑफ द MP. किसका होगा, ऑब्वियसली आपकी रूलिंग पार्टी का रहता है वो, ठीक है. सो सिमिलरली जब ये इंट्रोड्यूस हुआ आपके लोकसभा में उसके बाद ये भी जो है एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको रेफर किया गया कि आप इस बिल में, इस अमेंडमेंट में जो भी अगर आपको कोई ड्रॉबैक्स लग रहे हैं एक होलिस्टिक व्यू के साथ जो है इसको एग्जामिन करें, ठीक है. अगर हम 2002 के बारे में बात करें के जो आपका एक्ट था उसमें बेसिकली ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायो दैट इज़ लिविंग एंड डाइवर्सिटी मतलब कि डिफरेंट टाइप्स भी नहीं कह सकते, मतलब इतने विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, जीव जंतु ही होते ना बायोलॉजिकल, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम टेरिस्ट्रियल की बात करें, टेरिस्ट्रियल में कितने आपके डाइवर्सिटी हैं, आपके यू नो एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, ठीक है, आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, आपके बहुत हैं. फिर अगर आप मेरीन की बात करें तो आपका ब्लू व्हेल है, आपके नंबर ऑफ स्मॉल फिशेस हैं, फिर आपके प्रॉन्स हैं, आपके क्रैब्स हैं, दे आर मतलब लिविंग में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है. सो बेसिकली ये जो पहले वाला डाइवर्सिटी एक्ट था 2002 का, ये बेसिकली किसके बारे में बात करता था, ये कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करता था, क्योंकि हम लोग जो है वो हर मतलब फ्लोरा और फौना के ऊपर डिपेंडेंट है तो इसीलिए हम उनका सस्टेनेबल यूज़ करें ताकि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो बेनिफिट्स का, सो दैट जो यूज़ है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और नॉलेज वो सबको मिले. मतलब सबको जो है किस तरीके से हम इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यूज़ कर सकते हैं, उसकी नॉलेज को हम यूज़ कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं वो बात करता था आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपके 2002 के बारे में. नाउ द एम वॉज
टू फुलफिल इंडियाज ऑब्लीगेशन. अब ये जो अमेंडमेंट है ये बेसिकली क्या है कि इंडिया ने जो यू नो ऑब्लीगेशंस जो रखे थे अंडर योर सीबीडी एंड साथ में आपका नागोया प्रोटोकॉल जिसमें कहा गया था कि हम जो होंगे हम यू नो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन एक दूसरे कंट्रीज में आदान प्रदान करेंगे सो दैट हम अच्छे तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन का जब यू नो आदान प्रदान होगा तो एक बेटर ऑप्शन और एक बेटर चीज़ के साथ जो है हम आ सकते हैं राइट उन सब चीज़ों के बारे में ये एक्ट जो है वो बात करता था. नाउ बायोलॉजिकल अब ये वाला जो आपका अमेंडमेंट है इसमें क्या है एक बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटी बिठाई जाएगी दैट इज़ योर BMC. नाउ ये जो BMC है ये बेसिकली होगा क्या ये BMC रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो हर तरीके के पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स को प्रिपेयर करेगा. अब रजिस्टर में क्या होता है रजिस्टर में हम लोग चीज़ें लिखते हैं ना तो इस रजिस्टर में क्या होगा इस रजिस्टर में सब रिकॉर्ड्स होंगे उन फ्लोरा और फौना के और साथ ही में उनके सारे डिटेल्स दिए जाएंगे सो दैट हम ये डिटेल्स को एक सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर पाए. ठीक है एंड दिस इंफॉर्मेशन सस्टेनेबल यूज़ का जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ अवेलेबल इन देयर रीजन. तो वो कौन काम करेगा वो आपका BMC जो है वो इसके बारे में काम करेगी. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस अमेंडमेंट के द ऑब्जेक्टिव वॉज नंबर वन कि ये रिड्यूस करे प्रेशर. प्रेशर किन के ऊपर आपके वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर इनकरेज करे कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स कि हम एक ही तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर ना बैठे रहें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मतलब इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करें एक दूसरे को बताएं और भी जो प्लांट्स हैं उनको उनके बारे में जाने उनके मेडिसिनल यू नो बेनिफिट्स के बारे में जाने एंड ऑफ कोर्स उनके कल्टीवेशन को इनकरेज कर सकें. इसी के ही साथ डीक्रिमिनलाइज सर्टन प्रोविजंस कि उसमें कुछ प्रोविजंस जो हैं आगे आपको आ जाएगा उसको उसमें डीक्रिमिनलाइज किया गया है कि उसमें इनिशियली जिसमें आपका नॉन बेलेबल ये ऑफेंस होता था अब वो नॉन बेलेबल ऑफेंस को हटा दिया गया हाउ एवर जो पेनल्टी है उसको इनक्रीज कर दिया गया है. इसी के ही साथ देखो पैंडमिक के टाइम जो है ना हमको एक्चुअली पता चला है इंडिया जब आत्मनिर्भर बनने के ऊपर आ गई थी मतलब अभी हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हुए हैं सो दिस आत्मनिर्भर इज सेल्फ रिलायंट. सो सेल्फ रिलायंट कहने का मतलब ये है कि इंडिया के पास इतनी ज़्यादा मेडिसिनल यू नो प्लांट्स हैं फ्लोरा है जिनको हम यूज़ कर सकते और उनको हमको इनकरेज करना चाहिए. फोर्थ जो है वो इसका ये था कि हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको बूस्ट करें. फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो उससे क्या होगा जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ पे एक कंड्यूसिव जो इन्वायरमेंट है वो बनेगा और इस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में होगा क्या इस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में होगा कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ व्हाट ऑफ रिसर्च किया जाए और इन्वेस्टमेंट जो हम इनकी बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट किया जाए पेटेंट के बारे में बात हो कमर्शियल यूटिलाइजेशन के बारे में बात हो सो ऑप्टिमम और सबसे सस्टेनेबल तरीके से हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यूज़ कर पाएँ. इसी के ही साथ हम फैसिलिटेट करें फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च पेटेंट एप्लीकेशंस या कोई भी रिसर्च हमको रिसर्च रिजल्ट्स को ट्रांसफ़र करना है तो उन सबको भी स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि उसमें कोई भी ग्लिच ना हो और उसमें रेड टेपिज्म ना हो एंड थिंग्स जो है दे हैपन टू बी ईजी एंड क्विक. नाउ अब की प्रोविजंस इसमें इंट्रोड्यूस क्या किए गए हैं हाउएवर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज ये जो की प्रोविजंस हैं इसके ज़्यादा चांसेस आपके मेंस में पूछने के हैं रादर देन योर प्रिलिमिनरीज बट प्री करेंगे तो मेंस तो लिखना ही पड़ेगा सो आई एम गोइंग टू गो अ लिटिल थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी. नाउ इसमें कहा गया है कि जो भी आयुष मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करके जो है मेडिसिंस बनाते हैं इसी के ही साथ मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वो एक एक लोग जो इंडिजीनियस मेडिसिंस को प्रैक्टिस करते हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा कि उनको किसी भी तरीके का प्रायर इंटीमेशन जो है उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा. दिस इज़ द फर्स्ट जो अमेंडमेंट जो है प्रपोज किया गया. नंबर सेकंड इज कि सिंप्लीफाई कर दे एक्सेस कि एक्सेस जो है वो सिंप्लीफाई जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टीम लाइन कर दे रेड टेपिज्म खत्म हो जाए. सो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए इन चीज़ों को इनके जो क्राइटेरियाज हैं उनको सिंप्लीफाई
किया जाए। इसी के ही साथ फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनीज जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इसमें बूस्ट किया जाए, ताकि यहाँ पे जो है आपका R&D प्रमोट हो, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको भी प्रमोट किया जाए। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा कंसर्न भी दिखाया गया था बाय द ऑपोजिशन पार्टी, दैट इज रिडक्शन इन सर्टेन ऑफेंसेस। नाउ इस प्रोविजन में क्या कहा है, इन्होंने कुछ ऐसे ऑफेंसेस जो पहले जो 2002 के एक्ट में जो आपके कॉनिजिबल थे और आपके नॉन बेलेबल थे, अब उनको डिलीट कर दिया गया है। और लेकिन डिलीट तो कर दिया है, मतलब अब वो बेलेबल ऑफेंसेस बन गए हैं, हाउएवर जो पेनल्टीज हैं उनको बढ़ा दिया गया है। पहले के हिसाब से अब उनको अप टू 1 करोड़ कर दिया गया है। हाउएवर कुछ पेनल्टीज में जो है आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसके अलावा जो हमने पीछे पढ़ा, मैनेजमेंट कमिटीज़ आपकी बनेगी, सिर्फ आपके स्टेट लेवल पर नहीं, आपके पंचायत के लेवल पर भी बनेगी, क्योंकि गांव वगैरह में जो आपके फॉरेस्ट एरियाज होते हैं तो उनमें भी जो है BMCs बनेगी, और ये क्या करेंगे, एक रजिस्टर जो है वो प्रिपेयर करेंगे। स्टेट्स जो है वो खुद अपने डिक्लेयर कर सकते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज़ को, वो डिक्लेयर कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वो डेलीगेट करेगा पावर। किसको डेलीगेट करेगा पावर, स्टेट को डेलीगेट करेगा, देगा पावर कि आप डिसाइड करें कि ऐसी कौन सी स्पीशी है आपके एरिया में विच इज़ नियर एक्सटेंशन एज अ थ्रेटेंड स्पीशी टू द स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर बिफोर नोटिफाइंग, ये नोटिफाई करने से पहले उनको जो है NBA के साथ जो है वो रेफर करना पड़ेगा। इतना मतलब डेलीगेट किया है लेकिन पूरा का पूरा ऑटोनॉमी नहीं दिया गया है। अब ये जो NBA है उसको भी एक्सपैंड किया गया है। NBA की बात करें तो इसमें 11 एडिशनल मेंबर्स जो है उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें 6 आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे, जिनका ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्री, रिसर्च, पंचायती राज, इन सब के साथ जो है उनका एक्सपर्टीज रह चुका है। इसी के अलावा आपके 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे आपके SSBs से, दैट इज़ योर स्टेट लेवल से आपके रहेंगे। एक आपका मेंबर सेक्रेटरी रहेगा जिसके पास बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा, और वो जो होगा चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होगा आपके NBA का। चेंज इन डेफिनेशन, जैसे कि इन्होंने बायो यूटिलाइजेशन हैज बीन रिमूव्ड, अब बायो सर्वे को रीडिफाइन किया गया है। सो कुछ कुछ चीजों में यहां पे रीडिफाइन भी किया गया है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021। अगेन ये वाला जो पहला एक्ट था इट वॉज 1972, और अब जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं दैट इज़ योर 2021। इसके भी ज़्यादा चांसेस आपके मेंस में आने के हैं रादर देन प्रिलिमिनरीज, हाउएवर एक दुख का क्वेश्चन हो सकता है कि बन भी जाए। नाउ ये जो बिल है ये किसको अमेंड करेगा, ये जो बिल है इट इज़ गोइंग टू अमेंड योर 1972 का एक्ट, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इस एक्ट में क्या है, एज द नेम सजेस्ट, इसमें ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, सिर्फ एनिमल्स नहीं है, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, तीनों के तीनों जो है उनको प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ अभी हम इसके बारे में बात क्यों करें, बेसिकली ओके, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल तो हो गया, लेकिन अभी रिसेंटली हुआ क्या है ना, आपके IUCN में बहुत सी ऐसी जो यू नो स्पीशीज़ हैं जिनको इनिशियली जो है थ्रेटन कहा गया था, और फिर लेटर ऑन उनको पॉसिबली एक्सटेंट कहा गया। नाउ ये जो IUCN होता है ना, उसके अ लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसको बहुत उस लिस्ट में जो बेसिकली थ्रेटन स्पीशीज़ के लिए जो है ये लिस्ट बनाते हैं, उसमें आपके बहुत है, आपके वल्नरेबल हैं, आपका एंडेंजर्ड है, आपका बहुत से मतलब लिस्ट आती है ना, उसमें एक और लिस्ट आती है आपकी कि पॉसिबली एक्सटेंट। पॉसिबली एक्सटेंट कहने का मतलब है कि जब हमारे पास एक कोई मतलब कोई ठोस सबूत तो नहीं है, बट हमने ऐसा एस्टिमेट माना है कि भाई उनका एक स्पीशी का अपने एरिया में प्रेजेंस और पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो चुका है, तो हम मानते हैं कि ये क्या है, पॉसिबली एक्सटिंक्ट स्पीशी बन गई है, बट इट इज़ अ एस्टिमेट। स्पीशी मार्क्ड एज पॉसिबली जो एक्सटेंट होती हैं दे जो बेसिकली लास्ट असेस्ड हुई थी आपके 1900s में, ठीक है, उसमें बेसिकली इन्होंने एक्सटिंक्ट पोस्ट 1500
जो है स्पीशीज जो बताए गए थे उसमें से कुछ जो है उनके एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपके ग्रीन पी फाउल है, आपका हेरी नोस्ट ओटर है, फिर आपका बोविड जो है जो आज के टाइम पे साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, फिर आपके कुछ और पॉसिबल स्पीशीज इनको पहले जो है वो एक्सटेंट कहा गया था, इसी के साथ आपके इंडियन स्पीशीज जिनको पॉसिबली एक्सटेंट कहा गया है दैट इज़ ड्वार्फ सॉफिश, आपके फायर कॉरल्स, आपके कोकोनट क्रैब जो लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल एंथ्रोपोड भी हैं इन द वर्ल्ड. सो दिस वॉज a little things which were in news. However, if you want, you can skip this because this is going to be beneficial for you in the mains answer writing. जब आपको कुछ wildlife के related कोई question आ जाए या IUCN related कोई question आ जाए तो उसमें these things you can use as pointers, right? As fillers. So इसमें question as such नहीं बनता है. However, आप इसमें ये जो है कुछ नाम याद कर सकते हैं which are possibly extinct. ठीक है. नाउ रिसेंटली जो है IUCN ने जो है आपके 5 बर्ड स्पीशीज़ का जो है वो स्टेटस भी चेंज किया है. IUCN की बात करें तो इसमें सबसे पहले की बात करेंगे आपके फिन वीवर की. IUCN के स्टेटस में जो पहले वल्नरेबल था आज के टाइम पे इट इज़ एंडेंजर्ड. और ये जो फिन वीवर है ये पाया कहाँ जाता है, ये आपके तेराई ग्रासलैंड्स जो है उत्तराखंड में वहाँ पाया जाता है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है और हल्का फुल्का आपके असम में भी पाया जाता है. वॉट इज़ द रीज़न फॉर यू नो दे बींग एंडेंजर्ड, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटैट. जब इनका हैबिटैट का ही डिस्ट्रक्शन हो गया, जब जिस एरिया में या जिस इन्वायरमेंट में हैबिटैट क्या हो गया, हैबिटैट क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रह रहे हैं, देखो हम इंसान हैं ना, अब हम पेड़ों के ऊपर तो चढ़ के नहीं रह सकते. हाउएवर हमको पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है पर हम पेड़ों के ऊपर डायरेक्टली जाके नहीं रह सकते, राइट. हमको क्या चाहिए, हमको घर चाहिए, ठीक है, हमको खाना चाहिए. अब हम कच्चा मांस तो नहीं खा सकते, हमको अपना खाना चाहिए, ठीक है, हमको रहने के लिए ज़मीन चाहिए, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बेसिकली अ हैबिटैट. जिस हैबिटैट क्या हो गया कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक स्पीशी जो है वो बिल्कुल आराम से जो है वो सर्वाइव कर सकता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटैट. और एनिमल्स का जो डिक्लाइन है या जो इनकी पॉपुलेशन का डिक्लाइन है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है. यू कैन यूज़ दिस इन योर मेन्स ऑल्सो कि द बिगेस्ट रीज़न जो एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स है दैट इज़ द लॉस ऑफ हैबिटैट, कि उनका हैबिटैट ही ख़त्म हो रहा है. फॉरेस्ट बचे कितने हैं, फॉरेस्ट जो है हम काटते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रहने के लिए ज़मीनें चाहिए, इंडस्ट्रीज बन रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या होगा, फॉरेस्ट ही कटेंगे, ठीक है. सो दैट इज़ योर लॉस इन जो आपका हैबिटेट है. दिस टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर योर फिन वीवर टू बी एंडेंजर्ड. नेक्स्ट इज योर लेसर फ्लोरिकन. नाउ दिस लेसर फ्लोरिकन इनिशियली इट वॉज एंडेंजर्ड और आज के टाइम पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड के ऊपर जो है ये पहुँच गया है. वेरी इंपॉर्टेंटली ये कहाँ पाया जाता है इंडिया में, तो ये पर्टिकुलरली आपके राजस्थान और गुजरात के एरिया में पाया जाता है. नाउ दीज लेसर फ्लोरिकन्स जो हैं ये बेसिकली आपके ड्राई ग्रास लैंड्स में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब ये क्या है, इनका एक हैबिटैट है, ठीक है. नाउ ड्यू टू रैपिड कन्वर्जन किसका, ग्रास लैंड को जो है हम एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए अब यूज़ कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, जिसकी वजह से जो लॉस ऑफ हैबिटैट हो रहा है और इनका जो है वो रैपिड डिक्लाइन जो है वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज निकोबार इम्पीरियल पिजन. अगर हम इसकी बात करें, इनिशियली ये लीस्ट कंसर्न्ड में था. लीस्ट कंसर्न्ड मतलब कि इसका ठीक ठाक पॉपुलेशन है, हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है. आज के टाइम पे इट हैज़ गॉन इनटू नियर थ्रेटन्ड, कि अब ये थ्रेटन होने के कगार पे पहुंच चुका है. एज द नेम सजेस्ट इट इज़ निकोबार, तो ये कहाँ पाया जाता है, आपकी निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है. नेक्स्ट इज़ योर ग्रीन इम्पीरियल पिजन. ये क्या है, ये भी पहले लीस्ट कंसर्न था ऊपर वाले की तरह और अब ये भी आपके नियर थ्रेटन में पहुंच गया है. और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये आपके इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जितने भी हमारे गोंडी है ना नेबर्स, उन सब एरियाज़ में पाया जाता है. और इनका हैबिटैट क्या है, ऑब्वियसली दे लिव इन द फॉरेस्ट, मैनग्रूव्स एंड योर ग्रासलैंड्स. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेट्स अलॉन्ग विद द कोस्ट. सो जो कोस्टल एरियाज़ हैं उन ही जगहों पे
ये जो है इनका एक हैबिटेट है, मतलब वहाँ पे ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो है वो ग्रीन इंपीरियल पिजन को पाया जाता है, जो इनिशियली लीस्ट कंसर्न में था और आज के टाइम पे नियर थ्रेटन पे पहुंच गया है। नेक्स्ट इज़ योर माउंटेन हॉक ईगल। माउंटेन हॉक ईगल की बात करें तो इनिशियली ये भी आपकी लीस्ट कंसर्न में आता था और आज के टाइम पे ये नियर थ्रेटन के ऊपर पहुंच गया है। ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब कि इंडिया में पाया जाता है, आपके इंडो चाइना बॉर्डर वाले एरियाज़ में, आपके साउथ ईस्ट एशिया में, आपके चाइना, जापान, इंडोनेशिया, उन सब एरियाज़ में आपका माउंटेन हॉक ईगल पाया जाता है। एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन माउंटेन्स जिनका ऑल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई हाइट जो है वो 4,000 meters तक पहुंच जाए, वहाँ पे जो है ये माउंटेन हॉक ईगल आराम से सर्वाइव करता है और उन्हीं एरियाज़ में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें इंडिया की बात करें तो कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली इन द हिमालयन रीजन में ये पाया जाएगा। ठीक है, नाउ दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज लाइक आई सेड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये है क्या? बेसिकली इट इज़ कैट्स। कैट्स स्टैंड फॉर कंजर्वेशन अशोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। नाउ बेसिकली हुआ क्या था, सबसे पहले आप याद रखिएगा, आपका 29th of July, क्या बोला मैंने, 29th of July को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, अब इसी के ही सेलिब्रेशन में जब हम इंटरनेशनल टाइगर डे बना रहे थे आपके 2021 में, ऑब्वियसली पैंडमिक का टाइम था, तो उस टाइम पे एक वर्चुअल मीटिंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया था और उसमें इंडिया ने अपना कमिटमेंट बताया था कि वो एक सेफ हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करता है अपने, करता है और करेगा अपने टाइगर्स को, ताकि एक टाइगर फ्रेंडली इकोसिस्टम जो है वो बन जाए। ठीक है, तो टाइगर फ्रेंडली इकोसिस्टम को इनकरेज करने के बारे में बात की थी इंडिया ने एट द वर्चुअल समिट, कब? 29th July, विच इज़ सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल टाइगर डे। नाउ बेसिकली इसमें हुआ क्या था, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसमें 14 रिजर्व्स, जो हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स थे, कितने हैं इंडिया के पास, 51 टाइगर रिजर्व्स हैं, ये बढ़ भी सकते हैं, बढ़ते हैं ही हैं, पहले बहुत कम थे और अब जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। ठीक है, जो 14 टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे कि आपका मानस है, काजीरंगा है, औरंग है, वैसे आपके 14, ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द 14 नेम्स, जस्ट रिमेंबर 14 रिजर्व्स थे। ठीक है, उन सबको जो है दिया गया है एज ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, कि इन लोगों ने जो है अपनी कमिटमेंट को अच्छे से निभाया है एंड साथ ही साथ जो है यहाँ पे इन्होंने एक टाइगर फ्रेंडली इकोसिस्टम को बूस्ट किया है। ठीक है, थीम क्या था आपके 29 जुलाई वाले इवेंट का? दैट वाज देयर सर्वाइवल इज इन आर हैंड्स, कि उनका सर्वाइवल हमारे हाथ में है, इसीलिए इन्होंने जो है वो बोला है कि हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहां पे टाइगर्स जो है वो फ्रेंडली तरीके से रह सके। ओके, नाउ ये जो कैट्स है ये बेसिकली है क्या, ये जो कैट्स है वो बेसिकली एक ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन टूल है जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को पुट फॉरवर्ड किया जाता है, स्टैंडर्ड्स को पुट फॉरवर्ड किया जाता है, सो दैट टाइगर्स को अच्छे से मैनेज कर पाए एंड उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर सके। ठीक है, टाइगर्स आर द फर्स्ट स्पीशीज सिलेक्टेड फॉर द इनिशिएटिव। नाउ दिस कैट्स, नाउ देखो कैट्स जो है उसमें कहीं पर भी टाइगर लाइक मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, सो ऐसा कुछ जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरीके की चीज़ जो है वो सिर्फ टाइगर्स के लिए आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली इसके लिए जो इन्होंने फर्स्ट जो स्पीशी चुनी है इन ऑर्डर टू यू नो फॉर सच एन इनिशिएटिव, दैट इज़ योर टाइगर। कब हुआ था लॉन्च? 2013 में हुआ था और आपकी 125 साइट्स में जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और यहाँ तक कितने इंडिया में कितने 94 साइट्स पे। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें
कैट्स की, तो याद रखिएगा ग्लोबल टाइगर फोरम जो है और WWF जो है इंडिया का, दे ऑल आर द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स फॉर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. सो ये जो अथॉरिटी है दे ऑल आर द पार्टनर्स टुगेदर, ये तीनों जो है वो पार्टनर्स हैं जो कैट्स का असेसमेंट जो है वो इंडिया में करेंगे. ठीक है, इट इज़ बीन अडॉप्टेड फॉर यूज़ बियॉन्ड टाइगर, जिसमें आपका पोटेंशियली आपके जैगुआर्स, आपके लायंस, आपके फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स, उन सब के भी कंजर्वेशन के बारे में बात किया जाता है. अगर हम टाइगर की बात करें, इम्पॉर्टेंटली इसको आप लिख लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो आपका टाइगर है इट कम्स अंडर शेड्यूल 1 IUCN की रेड लिस्ट में, दैट इज़ अ थ्रेटन्ड स्पीशी, उसमें ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आपके IUCN की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है. साइट्स की लिस्ट में ये अपेंडिक्स 1 में फॉल करता है. ठीक है, कभी कभी आपको डायरेक्टली इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू अनदर इनिशिएटिव जिसमें आपके कंजर्वेशन के बारे, ओके बिफोर गेटिंग ऑन टू दिस सम मोर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें ना, सो दीज आर बेसिकली पॉइंटर्स आई एम टेलिंग यू, यू कैन यूज इन योर मेन्स आंसर राइटिंग. याद रखिएगा जो इंडिया है ना, इंडिया के पास 70% जो है वो टाइगर पॉपुलेशन है. सो 70% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन जो है इंडिया उसका घर है. सो इंडिया इज़ होम फॉर ओवर 70% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन. इंडिया के पास 51 एट प्रेजेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, और इंडिया ने जो आपका TX2 था, दैट इज़ योर डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन, उसका जो डबल करना था पॉपुलेशन को, इंडिया हैज़ यू नो परफॉर्म रिमार्केबली, और उन्होंने 4 साल पहले ही इस टारगेट को अचीव कर दिया है. आपको कभी कभी पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, तो याद रखिएगा देयर आर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़. सो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ कहने का मतलब वो है कि ये वो 13 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपकी टाइगर की पॉपुलेशन पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर एशियन एंड योर अफ्रीकन एलिफेंट्स. ये मैंने इसीलिए इंक्लूड किया, कभी कभी ना एक बार ये क्वेश्चंस आए थे जिसमें आपके जो है आपके एशियाटिक और आपके अफ्रीकन चीता में जो है वो डिफरेंस पूछा गया था, सो इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है. नाउ एशियन और अफ्रीकन की देखेंगे तो आप सबसे पहले तो शक्ल में थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं, इनकी और इसकी शक्ल में बहुत डिफरेंस है. इसी के ही साथ याद रखिएगा IUCN की रेड लिस्ट में जो एशियन एलिफेंट है इट इज़ इन द एंडेंजर्ड कैटेगरी, जबकि जो अफ्रीकन में है जो सवाना एलिफेंट्स है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जो फॉरेस्ट एलिफेंट्स है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं. अगर एशियन और अफ्रीकन की बात करें तो देखकर ही लग रहा है कि जो एशियंस हैं दे आर स्मॉलर इन साइज, हाउएवर द अफ्रीकन्स आर लार्जर इन साइज इन कंपैरिजन टू द एशियन एलिफेंट्स. इसी के ही साथ अगर आपने यहाँ पे कुछ और चीज़ें नोट की हैं इनके फ़ोटो के हिसाब से, तो आप देखेंगे जो एशियन वाले हैं उनके कान इन कंपैरिजन टू योर अफ्रीकन क्या है, इनके स्मॉलर है और इनके लार्ज फैन, ये जो है ना ये इसको फ़ैन कहते हैं. सो लार्ज फैन शेप्ड ईयर है अफ्रीकन की और इनके बेचारों के थोड़े से छोटे हैं. इसी के ही साथ ट्विन डोम्ड हेड विद एन इंडेंट रनिंग अप द सेंटर ऑफ द हेड, और इनका क्या है एक सिंगल डोम जो है वो शेप है. ये थोड़ा आपका टेक्निकल भाषा तरीके का हो गया, सो आप इसको एक नज़र मार लेना, ज़्यादा कुछ नहीं. एशियन की बात करें तो इनकी स्मूदर स्किन होती है, जबकि अगर हम इनकी बात कर रहे हैं अफ्रीकन की तो इनकी स्किन जो है इन कंपैरिजन टू एशियंस इट इज़ मच मोर रिंकल्ड. टस्क की बात करें ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट्स है जिनकी क्या है जिनकी टस्क है, जबकि इनमें जो है इनमें मेल और फीमेल दोनों में ही टस्क जो है वो पाई जाती है. इसी के अलावा कन्वेक्स शेप है इनका जो बैक, अगर हम पीछे से इनको देखें इनका जो बैक का शेप है ये कन्वेक्स शेप होता है और इनका कनकेव जो है वो रहता है. अब देखो एलिफेंट्स की बात हो रही है तो एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें की, ऑब्वियसली एक आपका एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही है. इसी के ही साथ अभी जो रिसेंटली जो चीज़ आई है दैट इज़ योर प्रोजेक्ट रिहैब. नाउ व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट रिहैब, प्रोजेक्ट रिहैब
कि अगर हम बात करें तो इट इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक. क्या है आपका रिड्यूसिंग, जस्ट अ सेकेंड, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज. वेरी इंपॉर्टेंटली आपको पूछ सकते हैं इसका फुल फॉर्म, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि हनी बीज किस एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया है. सो दैट इज योर रिहैब, दैट इज फॉर योर एलिफेंट्स. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कहाँ पे लॉन्च किया गया है तो याद रखिएगा इट वॉज लॉन्च्ड एट कर्नाटका. ठीक है, सो कर्नाटका में जब सक्सेसफुल हो गया, सबसे पहले वहाँ लॉन्च किया गया था. अब सेम कर्नाटका वाला जो प्रोजेक्ट था, अब उसको असम में भी लॉन्च कर किया गया है. इम्पॉर्टेंटली ये किसके द्वारा इनिशिएटिव है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते तो याद रखिएगा ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है उनके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है. जैसे मैंने आपको बोला कि ये सबसे पहले कर्नाटका में लॉन्च हुआ था, तो जब ये कर्नाटका में लॉन्च हुआ था तो ये किस जगह पे हुआ था, तो ये नागर जो आपका होल नेशनल पार्क है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था. आपको पेपर में नागर होल दे सकते हैं या फिर आपको राजीव गांधी भी लिखा हो सकता है, दोनों जो हैं वो एक ही के नाम है. ठीक है, ओके. सो इसे बेसिकली ये करेंगे क्या, बेसिकली ये बी बॉक्सेस विच इज़ योर हनी बी, उनको लिए जाएंगे, उनको बॉक्सेस में रखा जाएगा और बेसिकली दे आर गोइंग टू वर्क एज फेंसेस. ये फेंस का काम करेंगे ताकि ह्यूमन और एलिफेंट्स का जो है जो टसल है वो ना हो. ठीक है, अब इसको क्यों टेक ओवर किया गया है, बिकॉज इट इज़ इन कंपेरिजन टू अदर यू नो एफर्ट्स फॉर टू रिड्यूस द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, उसके कंपेरिजन में ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है. और इसको कहाँ यूज़ किया गया है, इसको बेसिकली आपके लेमुरू टाइगर सॉरी एलिफेंट रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पे रखा मतलब यूज़ किया गया है. वाई, क्योंकि यहाँ पे जो है ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे. ठीक है जी, ओके. नेक्स्ट अप वी हैव दैट इज़ योर चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान. नाउ अगर हम चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ रीइंट्रोडक्शन. रीइंट्रोडक्शन का मतलब बेसिकली होता है कि जब क्या होता है ना, कि जब आप एक एरिया में फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ से ये एनिमल को उठाया और आपने इसको इधर डाल दिया, और आपने रैंडमली नहीं डाला है, आपने उसको इसीलिए इस जगह पे इंट्रोड्यूस किया है बिकॉज यू नो कि यहाँ का जो हैबिटेट है वो बिल्कुल एप्ट है इसके सर्वाइवल के लिए. उसको बोला जाता है आपके रीइंट्रोडक्शन. सो इट मींस रिलीजिंग इट इन एन एरिया वेयर इट इज़ कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग. ऐसे नहीं कि जहाँ बेचारा एशियाटिक होगा तो उसको कहीं यू नो रेगिस्तान में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, नाउ रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड कि वो रीइंट्रोड्यूस करेगा आपके चीता आपके नेशनल पार्क्स में ओवर 5 years, 5 साल के लिए जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो चला गया है. और उसमें अभी जनवरी 2022 की ही न्यूज़ है कि जो फर्स्ट बैच है आपके 8 आपके यू नो साउथ अफ्रीकन चीता का, और जो आपके साउथ अफ्रीका से आए हैं और आपके नामीबिया से आए हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया है आपका कुनो नेशनल पार्क में. कहाँ पे है कुनो नेशनल पार्क, आपके मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है. और ये जो रीइंट्रोडक्शन का जो एक्ट था ना, इट वाज बेसिकली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ऑब्वियसली एनवायरनमेंट आपका फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनके द्वारा ही ये इनिशिएटिव लाया गया था. ठीक है, नाउ इंडिया जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहा है आपका अफ्रीकन चीता इंस्टेड ऑफ योर एशियाटिक चीता. दिस कैन बी आस्क्ड बोथ इन योर प्रिलिमिनरीज एंड योर मेंस फॉर आप कोट कर सकते हैं. नाउ बेसिकली है क्या, जो चीता की सब स्पीशी है ना इंडिया की, इट इज़ फाउंड इन ईरान. ठीक है, एंड इट इज़ कैटेगराइज एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सोर्स द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियाटिक चीता फ्रॉम ईरान विदाउट अफेक्टिंग द सब स्पीशी. कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपके ईरान से जब चीता को लाया जाएगा और उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सो हो सकता है कि वहाँ पे जो सब स्पीशीज़ वहाँ पे रह रही है उनके बीच में कुछ हमको टसल देखने को मिले. इसीलिए जो है दे आर प्रेफरिंग योर एशियाटिक चीता ओवर योर सॉरी अफ्रीकन चीता ओवर योर एशियाटिक. और बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि कुनो नेशनल पार्क में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है.
ऑल राइट ओके. अगर हम बात करें चीता की तो याद रखिएगा चीता जो है वो आपका वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है और IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है. तो आपको ये भी पूछ सकते हैं. हो सकता है कि आपको मेंस में कभी पूछ लिया जाए कि भाई रीजंस क्या हैं एक्सटेंशन के. सबसे पहले तो आ गया कि मैन का इंटरफेरेंस, हमारे एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से जो है वो एनिमल्स को उसका नुकसान हो रहा है. इसी के अलावा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की, कभी कभी जो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होता है तो ह्यूमन बींग्स अपनी जान बचाने के लिए जो है वाइल्ड लाइफ को मार देते हैं. एलिफेंट को, टाइगर को, चीता को, उनको मार दिया जाता है. सो उसकी वजह से भी उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है. इसके अलावा ट्रैफिकिंग, इनका स्किन जो है, इनके दांत जो है उनको बेचा जाता है, तस्करी किया जाता है. लॉस ऑफ हैबिटेट है, हमने पेड़ वेड़ सारे काट ही दिए, बचे कहाँ हैं. इसी के अलावा जब भी आप पेड़ वगैरह काटोगे, जब हैबिटेट ख़राब होता है, हैबिटेट ख़राब होने का मतलब, हैबिटेट मतलब कि जो सर्वाइवल एरिया होता है जहाँ पे ये सर्वाइव करेंगे. सर्वाइव कैसे करेंगे, खाना चाहिए इनको, प्रे चाहिए अपना. तो एक और पॉसिबल रीज़न, जो सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है इनके एक्सटेंशन का, दैट इज़ द लॉस ऑफ प्रे. एंड ऑफ कोर्स इलीगली इनको जो है वो इनको ट्रैफिकिंग किया जाता है. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, अब वो कहते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है रिलोकेशन का. बेसिकली जो ये है इसमें कंजर्वेशन के बारे में जो है वो चीता की बात किया गया है. और ऑफ कोर्स जो है यू नो एक फ्लैगशिप स्पीशी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्पीशी है और इसका सर्वाइवल जो है वो और भी बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. इसी के ही साथ ये रिवाइव करने की बात कर रहे हैं ग्लास लैंड्स को, बायोम्स को. सो दिस इज़ हाउ जो है वो रिलोकेशन का जो है पूरा का पूरा फंडा चल रहा है. अगर हम बात करें अफ्रीकन और एशियाटिक की तो कुछ डिफरेंस के इनके पॉइंट्स देख लेते हैं. IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकन चीता आपके वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, एशियाटिक क्रिटिकली एंडेंजर्ड. साइट्स में अपेंडिक्स 1 अफ्रीकन चीता, अपेंडिक्स 1 एशियाटिक चीता. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अफ्रीका, एंड नाउ दे आर ओनली फ्यू लेफ्ट इन योर ईरान. इसी के अलावा जो अफ्रीकन है दे आर बिगर इन साइज एंड दे आर स्लाइटली स्मॉलर इन साइज. हाउएवर जो एशियाटिक वाले हैं ना वो कहते हैं कि हमारा वाला जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, बट कागज़ पत्रों में जो है वो माना जाता है कि अफ्रीकन जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है. इसी के ही साथ ये जो आपके अफ्रीकन है ये डाइवर्स जो है वो डाइट के ऊपर चलते हैं, इसलिए जो है दे आर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर. और इनका जो है एशियाटिक वालों का, इनका काफ़ी लिमिटेड जो है वो प्रे रहता है. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज़ योर रेड सैंडर्स. रेड सैंडर्स जिनको नहीं पता है उनको फोटो दिखा दिया जाएगा. और दिस इज़ योर रेड सैंडर्स. और जिन्होंने इसकी फ़ोटो भी नहीं देखी है तो आप लोग पुष्पा मूवी देख लेना, आपके आई थिंक अल्लू अर्जुन की मूवी थी वो. हाँ, पुष्पा इज़ अल्लू अर्जुन. तो उसमें जो है रेड सैंडर्स का जो है वो इलीगल जो है वो ट्रेड किया करते थे. नाउ अगर हम रेड सैंडर्स की बात करें सो बेसिकली नाउ दे हैव फॉलन इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी. तो इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है. क्यों? क्योंकि अब जो है इनका ट्रैफिकिंग, मतलब कि इनका जो इलीगल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. बढ़ इसीलिए चुका है क्योंकि इनके न्यूमरस जो है वो बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये आप में, इनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप में नंबर ऑफ वेराइटीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इनका लिमिटेड, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन इनका लिमिटेड है. क्लाइमेट एंड सॉइल जो है वो कुछ ही जगहों पे जो है इनका एप्ट है इनके ग्रोथ के लिए. रेड सैंडर्स मतलब कि कहीं कहीं पे रेड सैंडलवुड भी लिखा होता है, तो याद रखना वन एंड द सेम थिंग. और मतलब कि लाल चंदन, इनको लाल चंदन भी कहा जाता है. अगर हम इनकी बात करें रेड सैंडर्स की तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंटली कि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं. और याद रखिएगा ये इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीशी है, मतलब कि ये इंडिया में ही पाई जाती है एंड स्पेसिफिकली आपके ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा आपके आंध्र प्रदेश में
पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे ये पाया जाता है। और इनका इतना ज़्यादा जो है वो ट्रेड वगैरह या इतना ज़्यादा जो है इनकी तस्करी इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपके ये है ना आपके रेड सैंडल्स, बेसिकली दे हैव अ लॉट ऑफ जो आपके थेरेपी या जो हीलिंग ऑफ डिजीजेस होता है ना उस केस में आपका रेड सैंडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसी के अलावा जो आपका चाइना है वहाँ पे फर्नीचर, आपके मेडिसिन, उन सब के लिए भी चाइना में जब ये रेड सैंडल्स जाता है तो वहाँ पे मुंह मांगी कीमत जो है वो इनके लिए दी जाती है। इसी के अलावा कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा भी फाउंड आउट किया है कि इन रेड सैंडल्स में क्या है, इन रेड सैंडल्स में जो ट्रेसेस हैं ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो पाए गए हैं। हाउएवर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल की ट्रेसेस पाए गए हैं दे आर वेरी लो, बहुत कम है, तो हम इनको न्यूक्लियर चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ये आपको मैंने सारा का सारा बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज महासीर। नाउ महासीर बेसिकली है क्या? महासीर बेसिकली आपका जो है मछली है, क्या है आपकी? फिश है, ठीक है, और ये बिलोंग करती है टू जीनस टॉर। ठीक है, ये बिलोंग करती है टू द जीनस टॉर, और बेसिकली ये है क्या, ये जो आपके महासीर हैं दीज आर बेसिकली योर फिशेज। नाउ व्हाई वर दे इन न्यूज़? दे वर इन न्यूज़ बिकॉज द ब्लू फाइंड महासीर जो है, जो IUCN की रेड लिस्ट में जो है, जो पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, अब वो आ गया है आपके लीस्ट कंसर्न वाले कैटेगरी में, मतलब कि अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अगर हम महासीर की बात करें तो याद रखिएगा ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली आपके मछलियां हैं। सो माही का मतलब है फिश एंड शेर का मतलब है योर टाइगर, इसलिए इनको टाइगर अमंग फिश भी कहा जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ह्यूमंगस हैं। नाउ देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है, कि ये इंडिकेटर का काम करते हैं ऑफ द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इट इज़ बिकॉज कि इनके सर्वाइवल के लिए जो हैबिटेट चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए, द पानी शुड बी क्लीन, इट शुड बी फास्ट फ्लोइंग, इट शुड बी हाईली वेल ऑक्सीजनेटेड। तो अगर ये अच्छे से उस पानी में है, मतलब कि पानी में क्या है, ऑक्सीजन डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम है, तो जैसे अगर ये मरना शुरू कर दे, इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए, तो हम समझेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ गई थी, बिकॉज ऑफ द हैबिटेट मैन्युपुलेशन, ओवर हार्वेस्टिंग इनका किया जाता था, और जो ये आपके फिशेस थे उनका जो है वो अपने बाकी के फिशेस के साथ जो है वो कंपटीशन में कभी अगर आ जाए फॉर सर्वाइवल फूड के लिए, तो वहाँ पर भी जो है वो एक ना एक स्पीशी, मतलब अगर एक ही ट्रॉफिक लेवल पे दो स्पीशीज़ हैं और उनका सेम फूड है, दे विल डेफिनेटली हैव अ कॉम्पिटिशन, और इन दोनों में से जो जीतेगा वो बनेगा आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है जी, आउट ऑफ द 47 सब स्पीशीज़ जो आपके महासीर की है, और अभी हमने जो आपका ब्लू वाला पढ़ा उसमें क्या है, 15 जो है 47 में से 15 जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं, और जो बाकी की पीछे बच गई आपके 32 वो आपके साउथ एशिया में जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, और ये किस तरीके का पानी, किस तरीके का इनका हैबिटेट है, क्लीन फास्ट फ्लोइंग और वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर, एंड दे आर ओमनीवोरस, मीनिंग दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। थ्रेट्स क्या है इनका, डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल्स जो है वो सेंसिटिव होते जा रहे हैं, देर गोइंग डाउन, वाटर का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, सडन क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो आ रहे हैं, ओवर फिशिंग हो रहा है, ओवर हार्वेस्टिंग हो रहा है, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये क्लीन एरिया में रहते हैं तो पॉल्यूशन की वजह से जो है हैबिटेट का लॉस हो रहा है, डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से इनका माइग्रेशन पैटर्न जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। सो ऑल दीज रीजंस आर देयर जिसकी वजह से जो है ये आपके फिशेस जो है वो पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड में थे। ठीक है, ओके,
इसी के अलावा इन लोगों ने प्रोजेक्ट महासीर को भी स्टार्ट किया गया था, जो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था बिटवीन टाटा पावर एंड द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द फिशरी एजुकेशन, जिसमें 5 लाख महासीर जो हैं देवर बीन उनको ब्रीड किया गया था एट वालवन हैचरी इन लोनावला, और फिर वहाँ से जब इनको अच्छे से पाला पोसा गया और फिर देवर बीन रिलीज इन टू द वाटर। ठीक है जी, ओके। अगर हम बात करें महासीर की, तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके मोटा मोला रिवर में। कहाँ पे है ये? पूना में। ठीक है, पुणे या पूना में जो है मोटा, मेरी राइटिंग भी माशाल्लाह है, सो इट इज़ मोटा मोला रिवर विच इज़ इन पुणे या पूना, वट एवर यू हाउस एवर यू प्रनाउंस इट। ठीक है, ऑल राइट। सो दिस वॉज अबाउट योर बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने जो है आज के लेक्चर में पढ़ा, हमने जो अमेंडमेंट्स आए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, बायोडाइवर्सिटी में, उनके बारे में पढ़ा है। सो थैंक यू गाइज, एंड डू नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड आई विल सी यू टुमारो।